दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने शरीर के समस्त रोग ठीक कर सकते हैं। एक रोग नहीं दोस्तों, समस्त रोग, समस्त रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें हल्का सा हमें दैनिक क्रिया के अंदर बदलाव करना है और कुछ नहीं करना, ना कोई दवाई खानी है, ना अलग से इसका कोई ट्रीटमेंट लेना है। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आज से 30 से 35 40 साल पहले हमारे गांव के अंदर एक मुश्किल से एक कंपाउंडर नहीं हुआ करता था, और आज की तारीख में एक गांव के अंदर एक कंपाउंडर और एक डॉक्टर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बीमारियां जिस गति से डॉक्टर बढ़ रहे हैं, कंपाउंडर बढ़ रहे हैं, उस गति को देखते हुए हमें ये देखने को मिलना चाहिए कि बीमारियां कम होनी चाहिए, लेकिन बीमारियां बढ़ रही है, घटने की बजाय बीमारियां बढ़ रही है। दोस्तों इसका कारण क्या है? इसका कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं कुछ ऐसे खान पान में बदलाव कर लिया है जिसके कारण हम स्वयं ही बीमारियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को आज मैं इन बीमारियों को भगाने का एक फार्मूला बताने वाला हूँ जिसका नाम है जल चिकित्सा। जल चिकित्सा के माध्यम से आप अपने शरीर के सारे रोग खत्म कर सकते हैं। हल्का सा बदलाव हमें करना है। जब हम सुबह नहाते हैं उस नहाने के तरीके को हमें बदलना होगा और अपने समस्त रोगों को छुटकारा पाना होगा। दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत किस तरीके से की जाती है। सुबह जब उठते हैं और नहाते हैं तो नहाते समय सबसे पहले हम अपने पैरों को, नीचे के जो तलवे होते हैं पैर के, उन तलवों को अच्छी तरह से, जो ब्रश धोने वाली, कपड़े धोने वाली ब्रश आती है, उसको हम रगड़ के अपने तलवों को अच्छी तरह से साफ करना है। धोने के बाद घुटनों तक के पैर हमें धोने हैं। धोने के बाद 3 बार मुंह में कुल्ला करना है और पानी बाहर थूक देना है। चौथी बार हम जब पानी लेते हैं मुँह के अंदर, वो पानी हमें बाहर नहीं थूकना है, मुँह के अंदर ही रखना है। अंदर रखते रखते हमें अपने घुटनों तक के पैर धोते हुए, नीचे यहाँ से पूरा धोते हुए, यहाँ तक पानी को डालते हुए, हाथ पैर धोते हुए, पूरा पानी को ठंडे पानी से नहाते हुए यहाँ पानी डालना है। उसके बाद हमें सर पे डालना है। सबसे लास्ट में हमें सर पे डालना है। आप देखिएगा आपको बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी, आपका जो है पूरे दिन आपको एकदम चुस्ती तंदुरुस्ती मिलेगी, पूरे शरीर के अंदर करंट महसूस होगा, आप थकान महसूस नहीं होगी आपको, बहुत ही पूरे दिन आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दोस्तों पहले दिन से ही आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसका नाम जल चिकित्सा है। दोस्तों इसको अपनाइए और अपने शरीर से जो रोग हैं उनको दूर भगाइए। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। इसको आप एक बार नहीं करना है, रोज की जो क्रिया है उसमें रोज में करना है। हमेशा इसको एक नहाने की क्रिया को आप रूटीन में बना लीजिए, और इसका कोई अलग से कोई चार्ज तो लगता नहीं है। हम रोज़ नहाते हैं, उस नहाने की क्रिया को हमें बदलाव करना है। ये बदलाव मात्र से अपने शरीर के रोग हैं वो ठीक है। दोस्तों ठीक है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।